हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तराखंड कर्मचारियों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए गवर्नमेंट ने एक आयुष्मान अटल आयुष्मान योजना की जो स्कीम चलाई है, उसके अंतर्गत गोल्डन कार्ड की एक योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए दी गई है। उसके लिए आपको अपने IFMS पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है या कराना है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर से आप करा सकते हैं किसी से भी। तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मेन मेन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। IFMS की साइट आप अपनी, अगर आप खुद से खोल रहे हैं तो IFMS ब्राउज़र में IFMS टाइप करेंगे आप। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे और आपको क्लिक करना है इस साइट पर, cts.uk.gov.in। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपकी साइट ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से आपके सामने आपकी साइट ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो यूजर नेम है यहाँ पर मांगा गया है, उसमें आप अपना एम्प्लॉय कोड यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आप अपना डालेंगे, जो ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे आप। टाइप करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और उसके आगे क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये इस प्रकार से कुछ आपका यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर ओपन होगा। इसमें आपकी डिटेल्स जो यहाँ पर आप सभी चेक करते ही होंगे। तो इसमें जो अटल आयुष्मान की में हम बात कर रहे हैं, आपके जो गोल्डन कार्ड यहाँ पर बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका ऑप्शन यहाँ पर है आपका, ये जो माई क्लेम यहाँ पर लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें लास्ट में ऐड किया गया है SGHS, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की एक गाइडलाइन जो दी गई है वो इस प्रकार से यहाँ पर आएगी। इसमें आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। 9,000 से कम जिसकी आय होगी परिवार के उसी सदस्य को आप आश्रित मानेंगे, और आपके परिवार के जितने सदस्य हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। केवल उनको ऐड कीजिएगा जो आप पर निर्भर हैं, जिनकी खुद की कोई भी आय नहीं है। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर कि मेरे द्वारा सारे निर्देश पढ़ लिए गए हैं और मैं उनका पालन करूँगा। उसके बाद प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। मैं यहाँ पर आपको मेन मेन पॉइंट कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर आपका नाम वगैरह सबकी डिटेल आपकी ओपन यहाँ पर ऑलरेडी लिखी आएगी। आपको भरना क्या है इसमें, अपने फादर का डिटेल यहाँ पर डालना है, जो आपके फादर की डिटेल है, मिस्टर है, मिस्टर जो भी है आपका, यहाँ पर आप उनको डाल देंगे यहाँ पर डिटेल उनकी। और यहाँ पर मदर की डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उनकी डालेंगे जो भी होगी, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर। और सभी के मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप ये डिपेंडेंट पे देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करते रहेंगे। डिपेंडेंट आप पर डिपेंड नहीं है, और ऐसे ही मदर वाली, मदर का जो नाम यहाँ पर लिखा है, मदर वाली डिटेल यहाँ पर डालेंगे आप, माता जी की डिटेल सब से संबंधित, यहाँ पर उनका नाम, यहाँ पर उनका नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आधार कार्ड, यहाँ पर मोबाइल नंबर उनके पास यदि है तो। मोबाइल नंबर यदि किसी के पास नहीं है तो उससे काम चल जाएगा, पर आधार कार्ड सभी के यहाँ पर एंट्री करनी होगी। थर्ड ऑप्शन इसमें आता है आपका स्पाउस नेम। स्पाउस नेम में आप शादीशुदा है, यहाँ पर मैरिड स्टेटस आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। मैरिड है तो क्लिक किया है आपने, तो इसके बाद आप स्पाउस नेम में आप अपनी पत्नी की डिटेल यहाँ पर डालेंगे। पत्नी की डिटेल आप इस ऑप्शन में डालेंगे, यहाँ पर मिसेज मिसेज करके, और यहाँ पर उनका नाम डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उनकी, यहाँ आधार कार्ड और यहाँ मोबाइल नंबर उनका आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। आप सेव करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स और भरनी होगी। ये जो आपने डिटेल यहाँ पर भरी है उनका एक परफॉर्मा बनकर आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद अगर जो आपके बच्चे हैं, जो आप पर डिपेंड, आपके बच्चे हैं तो ऑलरेडी आपको, आप पर ही डिपेंड है, तो उनकी डिटेल्स आप वहाँ पर डाल सकते हैं। उनकी डिटेल वहाँ पर डालने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा,
और मैरिड है अनमैरिड है उनकी वो डिटेल भी आपको वहाँ पर डालनी है। और एक से अधिक अगर आपके बच्चे हैं तो उसमें एक ऐड का ऑप्शन वहाँ पर आपको नीचे शो होगा, आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने दूसरे बच्चे की वहाँ पर डिटेल डाल पाएंगे। उसके बाद आपको सबमिट डिटेल्स का एक ऑप्शन आएगा, सबमिट डिटेल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा जो भी आपने फॉर्म भरा है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, भर जाएगा पूरा। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर प्रिंट का, प्रिंट। तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स आपने फिल की हैं वो सारी प्रिंट के माध्यम से आप वहाँ से प्रिंट आउट में आपको मिल जाएंगे। इस पर आप साइन करके अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा भी करा सकते हैं, और अगर आपको खाली ऑनलाइन भरने के लिए कहा गया है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, प्रिंट आप अपनी डिटेल्स के लिए अपने पास रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा वीडियो मिल सके सबसे पहले। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।